हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में हम लोग देख रहे हैं पेपर टू इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडस्ट्री को डिस्कस किया था और इसी इंडस्ट्री को जरा आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं बाकी इंडस्ट्रीज के बारे में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, these are our contact details and these are available courses on YouTube. These are prelims special, mains special and test series based on subscription. इसके अलावा recognition IAS के study material and test series are also available for geography optional. You can accordingly subscribe for that. इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास से, और हम लोग इंडस्ट्रीज में सबसे पहले देखे थे इंडस्ट्रियल सेटअप के बारे में, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस तरीके की प्रॉब्लम्स इनको फेस करना पड़ता है। फिर अकॉर्डिंगली हम लोग वन बाय वन करके चले आए थे चीजों के बारे में और देखे थे क्या कुछ हम लोग इंडस्ट्री के बारे में क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉटन इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया हुआ था, फिर हम लोगों ने बात किया हुआ था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में, आयरन और स्टील के बाद लास्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में। इन सब के लोकेशंस देखी थी और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था इन इंडस्ट्रीज में कौन सी प्रॉब्लम ये लोग फिलहाल फेस कर रहे हैं। इसी डिस्कशन को जरा आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग देखेंगे आज जितनी भी इंडस्ट्रीज बची हुई है उन सबको कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद फिर आगे जो भी डिस्कशंस हैं इंडस्ट्री रिलेटेड टॉपिक में ही वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। टू मोर लेक्चर्स विल टेक दिस इंडस्ट्री चैप्टर, और फिर उसके बाद से जो है हम लोग जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं लाइक हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में पहले, और फिर ट्रांसपोर्ट के बाद हम लोग बात कर लेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं। तो एग्रीकल्चर को कंप्लीट करने के बाद फिर अकॉर्डिंगली हम लोग आगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी एंड ऑल दैट पे आ जाएंगे। एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट इन द सेंस कि आप लोगों से एक सजेशन है लेना कि आप लोग ये बताइए कि जैसे कई लोग इस बात को लेकर के चिंतित है कि 26 अगस्त से जैसे यूपी पीसीएस की ज्योग्राफी की मतलब ज्योग्राफी इन द सेंस की पीसीएस की मेंस होने वाली है, तो कई लोग ये बोल रहे थे कि कंप्लीट कराने को। तो वन ऑप्शन इज देयर, पैरेलली वी कैन रन पेपर वन जो फिजिकल बच गया है उसको पैरेलली रन किया जा सकता है। तो आप लोगों से मतलब यही एक सजेशन लेना है कि कैन वी रन द पेपर वन पैरेलली, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ऑब्वियसली वी कैन रन दिस पेपर वन डिस्कशन ऑल्सो। तो अगेन जो है पर डे आपको टू वीडियोस मिलेंगी, एक वीडियो में आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, और फिर साथ ही साथ जो है पेपर वन की जो फिजिकल वाली पार्ट है वो भी पैरेलली रन करना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर दोनों को ही एक साथ लेके चलेंगे तो आई बिलीव कि 15 अगस्त तक आप लोगों का पूरा जो सिलेबस है फॉर दिस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखेंगे जो भी कुछ करना होगा। इसके अलावा जो सैटरडे की क्वेश्चन आंसर सीरीज होती है वो होगी ही होगी, इसमें कोई आप लोगों के प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्वेश्चन आंसर के लिए द बेटर विल बी, मतलब जितना आप आउटकम इससे बेटर निकाल सकते हैं उसके लिए यही है कि फ्राइडे बाय द फ्राइडे क्वेश्चंस पोस्ट कर दिए जाते हैं। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू विद द क्वेश्चंस एंड इनफैक्ट यू कैन टेक आउट पॉइंट आउट व्हाट एग्जैक्टली व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। तो उसके बाद से जो भी लेक्चर होगी देन अकॉर्डिंगली यू कैन आस्क योर डाउट्स देयर, और फिर अकॉर्डिंगली जो है आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दिया जाएगा। तो बेटर ये होगा कि आप जो है क्वेश्चन आंसर को पहले से ही एक बार प्रैक्टिस कर लें ताकि उससे मोर एंड मोर आउटकम आप निकाल सकें। तो ये छोटी मोटी बातें थी, इन बातों के बाद हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं हमारी आगे की डिस्कशन जरा, और देख लेते हैं क्या कुछ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेसिकली ऑटोमोबाइल का मतलब हो गया जितने भी आपके टू व्हीलर फोर व्हीलर्स होते हैं उनके ही बारे में। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबली। इंडियन मैन्युफैक्चर ओवर 11 मिलियन व्हीकल्स इंक्लूडिंग टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर एंड एक्सपोर्ट अबाउट 1.5 मिलियन पर ईयर। और जितनी भी ये हम लोग व्हीकल्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो मेनली होती है या तो जर्मनी की या फिर वो जापान की, यही दोनों कंट्रीज जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी ज्यादा प्रोग्रेस की हुई हैं। एंड बाय 2050 इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू टॉप
the world in car number with a 600 million on the nation's road. तो ये तो खैर एक छोटा सा डेटा है. The most important thing between these two country is that Japan, like ये जो है, this is not only, this does not believe only in delivering the quality, it also they also care about the मेंटेनेंस वर्क. जैसे मान लीजिए आपसे ले लिया गया तो वो फ्यूचर में बिलीव करते हैं, वो देखते हैं कि आखिर में फ्यूचर में किस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है और अकॉर्डिंगली हम लोग अपने टेक्नोलॉजी में क्या अपग्रेडेशन ले आ सकते हैं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट इस इंडस्ट्री में चीज है कि आपको लगातार इन्वेंशन करने होते हैं, लगातार रिसर्च करनी होती है. इसीलिए जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसमें R&D एक सेक्टर होता है जो लगातार रिसर्च कर रहा होता है. जैसे रिसेंट में अगर आप देखेंगे तो अभी BS4 से BS6 ट्रांसफर कर दी गई है जितने भी इंजन्स हैं, और इस इंजन के कारण से ऑब्वियसली काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी है और काफी ज्यादा इन लोगों को उसमें रिसर्च कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो गई है, जिसके कारण से अगर आप देखेंगे तो व्हीकल का जो कॉस्ट है, व्हीकल की जो प्राइस है, वो नियर अबाउट 50-60,000 जो है वो बढ़ गई है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द BS6 कन्वर्जन. तो यही रीजन है जिसके कारण से प्राइजेस बढ़ जाते हैं. लेकिन वही अगर इनको सफिशियंट टाइम दिया जाए फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो सीधी सी बात है ये जो कॉस्ट इतनी हाइक होती है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज ग्रेजुअली ये चेंज आएगा. तो ग्रेजुअल चेंजेस जब आते हैं तो उतना ज्यादा चेंज पता नहीं चलता है. द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज मेनली लोकेटेड नियर द आयरन एंड स्टील. दैट इज बिकॉज क्यों, इनकी जो बेसिक रॉ मटेरियल जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो यही होती है, आयरन और स्टील. इनफैक्ट एल्यूमिनियम भी आप बोल सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि जहां जहां पर आयरन और स्टील मिलती है तो वहां पर जो है एल्यूमिनियम की, मतलब बॉक्साइट की भी प्योरिफिकेशन वर्क कर लिया जाता है. प्रोड्यूसिंग सिंथेसाइज स्टील इज द बेसिक रॉ मटेरियल यूज्ड इन द इंडस्ट्री. द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज ऑल्सो लोकेटेड नियर द मार्केट एंड सी पोर्ट. अब जैसे यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, सपोज दिस जर्मनी का ही केस ले लेते हैं. अब आपको पता है कि सपोज दिस इज आवर USA, ठीक है, ये मान लेते हैं कि यहां पर हमारा USA है. USA में अगर आप देखेंगे तो यहां पर बेसिकली दिस इज द ग्रेट लेक्स और यहां पर सेंट लॉरेंस रिवर है. दिस इज सेंट लॉरेंस रिवर. अब आपको ये चीज पता है कि इस जो ग्रेट लेक्स के चारों ओर में जितनी भी सिटीज हैं, ये सारी की सारी आयरन रिच कह लीजिए कि सिटीज हैं. यहां से आयरन को निकाला जाता है, आयरन को एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है और उसके बाद से फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो सेंट लॉरेंस है उसमें भेज दिया जाता है. मतलब यहां से इनका ट्रांसपोर्ट हो गया. अब जरा देखिएगा इसमें खास बात क्या है. यहां से फिर आप लोगों को पता है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट निकलती है. दिस इज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. अब ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है अगेन शिप को पुश कर देती है. जैसे यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी या बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक ड्रिफ्ट मौजूद है. ये ड्रिफ्ट एक चली आती है जो रशियन पोर्ट पे चली जाती है मरमास्क, ये आपको पता ही होगा, और दूसरी जो ड्रिफ्ट है वो चेंज हो जाती है, अपना कह लीजिए कि डायरेक्शन चेंज कर देती है और कैनरी करंट के फॉर्मेट में आ जाती है. दिस इज कैनरी करंट. ये सब आप लोगों ने GS में या फिर ओशनोग्राफी में पढ़ा होगा. ये जो कैनरी करंट होती है बेसिकली आगे जा करके जर्मनी के पास में ही बेसिकली मिलती है. तो इस तरीके से ये यूरोपियन एरिया में पहुंच चुकी है, यूरोपियन कंट्रीज में पहुंच चुकी है, और यहां पर जर्मनी के पास में दो ऑप्शन. एक ऑप्शन है सेंट लॉरेंस से ही जो आयरन आया हुआ है, दूसरा जर्मनी और फ्रांस के बीच में अल्साक लोरेन फील्ड है. दिस इज अल्साक लोरेन फील्ड एंड दिस इज ऑल्सो नोन फॉर वॉट, आयरन. तो जर्मनी को आयरन दो तरीके से मिल गया. एक तो मिल गया आपकी जो खुद की इसकी फील्ड हो गई वर्ल्ड वॉर के बाद से, दोनों में यहां पर ट्रीटी हो रखी है कि दोनों लोग यहां से जो है अपनी आयरन की एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, और दूसरी जो US के थ्रू आ रही है. तो यहां पर क्या है कि काफी अच्छा एक रिसोर्स, मतलब आयरन रिसोर्स मिल जाता है, और जर्मनी के पास टेक्नोलॉजी तो है ही, जर्मनी इज अ बिजनेस कंट्री और यहां पर जो है सारी की सारी ये बिजनेस सेटअप एस्टैब्लिश है. तो इस वजह से यहां पर काफी अच्छा इनको एक माहौल मिल जाता है, काफी अच्छा एक एनवायरमेंट मिल जाता है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और इस तरीके से पूरी सीन होती है. तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई कि देयर आर फ्यू थिंग्स दैट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज बेस्ड अपॉन. वन इज द रॉ मटेरियल. एक तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द मार्केट. मार्केट की जरूरत है. अब यूरोप में आपको पता ही है दिस इज बेसिकली EU के अंतर्गत आता है यूरोपियन यूनियन, एंड यूरोपियन यूनियन मतलब क्या, दिस इज कॉमन मार्केट, ठीक है. तो यहां पर वीजा फ्री ट्रेवल होता है, सब कुछ होता है, कोई भी यहां पर इंटरनल एक्सटर्नल टैक्स वगैरह सिस्टम नहीं होते हैं.
तो इस वजह से अगेन मार्केट की अवेलेबिलिटी भी हो गई। और तीसरी चीज होती है जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होनी चाहिए वो बहुत ही कह लीजिए चीप होना चाहिए। तो यहां पर चीप ट्रांसपोर्ट भी हो गया क्योंकि यहां पर सारा काम जो है वो किसके थ्रू होता है, जैसे सी पोर्ट के जरिए होता है, शी के जरिए होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट। अच्छा एक और चीज होती है जो हिस्ट्री होती है, और हिस्ट्री जो है जर्मनी की ऐसी रही है कि लगातार यहाँ पर जो है मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही वर्क होती है। इनफैक्ट जितने भी आप जानते होंगे, चाहे स्कोडा हो, चाहे वो आपकी ऑडी हो, या जितनी भी लैम्बोर्गिनी, जितनी भी आपकी गाड़ियां मिलेंगी वो सारी की सारी जर्मनी ब्रांड ही होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थी। इस केस स्टडी से आपको ये फायदा हो जाता है, आपको चीजें जो होती है काफी अच्छे से समझ में आ जाती हैं। आगे अगर बात किया जाए तो वन सेकेंड इसको इरेज कर दिया जाए। द मेन ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इंडिया में कहाँ कहाँ होंगे, सीधी सी बात है जहां जहां पर आयरन और स्टील की प्लांट होगी। तो आपको चेन्नई, क्योंकि सैलम में मिल जाती है, दिल्ली में मिल जाती है, गुड़गांव में मिल जाती है, जबलपुर में मिल जाती है, जमशेदपुर, कोलकाता, नोएडा, मुंबई। तो ये एक्चुअली जो है प्रोड्यूसिंग सेंटर्स तो है जरूर, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं होता है। मतलब ये जो है वो पार्ट्स प्रोडक्शन करते हैं, और पार्ट्स प्रोडक्शन करने के बाद चीजों की मतलब जो टूल्स है वो इधर उधर जो है वो ट्रांसफर करके इसकी कह लीजिए कि जो होता है इसको एक बंडल बना दिया जाता है, या फिर कह लीजिए कि इसको असेंबल कर लिया जाता है, और असेंबल करने के बाद फिर फाइनली गाड़ी जो होती है वो फिक्स हो जाती है। मोटरसाइकिल्स भी सिमिलरली फरीदाबाद हो गया, मैसूर हो गया, स्कूटर जो आपकी पुणे के पास में अकुर्दी हो गया, लखनऊ हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जहां पर ये पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो इंडस्ट्री है वो वर्क करती है। अगर इसको मैप पे देखा जाए तो मैप में भी अभी हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल अगर देखेंगे तो कमर्शियल व्हीकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव, जो कि टेल्को के नाम से भी जाना जाता है। दे प्रोड्यूस ओवर 70% ऑफ द टोटल कमर्शियल व्हीकल्स। तो देखिए ये थोड़े मोड़े डेटाज जो है वो हमेशा आप लोग याद रखा करिए, क्योंकि आंसर आईटी में काफी ज्यादा इसकी हेल्प हो जाती है। तो इट्स फोर प्लांट आर लोकेटेड एट हैदराबाद, फिर दूसरी मध्य प्रदेश में है, तीसरी पंजाब में है, चौथी जो है नोएडा उत्तर प्रदेश में है। प्रीमियर ऑटोमोबाइल, जैसे प्रीमियर की पहले गाड़ियां आती थी जो कार होती थी, एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा लोकेटेड एट मुंबई। जैसे इंडिया में अगर बात करें तो प्रीमियर, महिंद्रा, मारुति, यही कुछ इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो कि सक्सेसफुल हैं। और बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टाटा, दे आर बेसिकली नोन फॉर देयर ट्रक बिल्डिंग। तो ये बेसिकली ट्रक बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस होते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो देखिए दिस थिंग हियर, स्टैंडर्ड मोटर एट चेन्नई, हिंदुस्तान मोटर्स। तो यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज का नाम दिया हो गया है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सच। सो यू कैन मेमोराइज वन और टू इंडस्ट्री एंड दैट्स ऑल। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या इनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो एक तो हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है इस ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडस्ट्री में, दूसरी जो है इनकी टेक्नोलॉजी जो है काफी ऑब्सोलीट है। इसमें जैसे प्रॉब्लम ये होती है, सपोज यू आर यूजिंग BS4 इंजन, BS4 इंजन से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट जो आएगी, नेक्स्ट जो भी मतलब अपडेट आना चाहिए वो BS5 आना चाहिए, बट गवर्नमेंट हैज मूव्ड डायरेक्टली टू BS6। अब इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बेसिकली BS4 से BS6 ले जाने में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और इनकी टेक्नोलॉजी भी काफी हाईली अपग्रेडेड वर्जन में चाहिए होगी। तो यहां से ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एक कह लीजिए कि एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व कर लेती है, एक्स्ट्रा इसमें कॉस्टिंग आ जाती है, जिसके कारण से जो होती है व्हीकल की जो मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो एक कॉस्टली अफेयर बन जाती है। अब इसमें होता क्या है कि ये कॉस्ट मैनेज करने के चक्कर में जो इनका फोकस एरिया होता है, लाइक सपोज मारुति इंडस्ट्री के बारे में ही बात कर ले, मारुति ऑटोमोबाइल, तो दे आर बेसिकली टारगेटिंग मिडिल क्लास फैमिलीज। बट अगेन अगर आप देखेंगे तो अर्लियर सेगमेंट को देखेंगे तो नियर अबाउट 5 to 6 lakhs में इनकी सारी गाड़ियां, मोस्टली सारी गाड़ियां होती थी। बट nowadays अगर आप देखेंगे तो इट हैज inflated टू 7 to 8 lakhs। तो 7 to 8 lakhs में अगर आप देखेंगे तो मारुति का मोस्ट ऑफ द सेगमेंट की गाड़ियां इसी में मिलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं जो होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, एंड बिकॉज ऑफ द ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी द एक्सपेंडिचर कॉस्ट, और कह सकते हैं जो प्राइस ऑफ द मोटर व्हीकल हैज इंक्रीज्ड। और इनफैक्ट खैर समय के साथ भी देखा जाता है, क्योंकि परचेजिंग भी लोगों की बढ़ गई है, तो परचेजिंग बढ़ने के बाद ऑब्वियसली दे विल ऑल्सो एक्सप्लॉइट अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से एक मैनेज जरूर किया जाता है। इसके अलावा कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट है, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ व्हीकल्स मतलब जो फॉरेन की व्हीकल्स हैं, चाहे वो MG Hector हो जाए या फिर नंबर ऑफ व्हीकल्स आर देयर यू हैव ऑलरेडी सीन इन द मार्केट,
तो इस तरीके से एक इंटरनेशनल कंपटीशन में मिल रहा है, मतलब अगर आप देखेंगे तो मारुति, ह्युंडई और होंडा, इन तीनों में अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है। स्कोडा भी इनफैक्ट अगर आ गई है अगर देखेंगे तो, यहां पर केवल और केवल मारुति ही एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो बेसिकली इंडियन मार्केट में है, मतलब इंडियन इंडस्ट्री है। बाकी की जितनी भी है वो फॉरेन इंडस्ट्रीज है, चाहे वो ह्युंडई हो, होंडा हो, सो जापान की हो जाती है, स्कोडा जर्मनी की हो जाती है। तो इस वजह से जो है एक अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। और ये कंपटीशन एक, जैसे मान लीजिए सपोज यू हैव लॉन्च न्यू व्हीकल बट इट हैज फ्लॉप्ड, अगर वो फ्लॉप हो गई है तो इंडस्ट्री को काफी ज्यादा लॉस होता है। तो न्यू रिसर्च और न्यू व्हीकल के आने में फिर अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती जाती है। तो अगेन जो होती है ये एक प्रॉब्लम ही है कि किस तरीके से हम डिजाइन करें, किस तरीके से लोगों तक हम अपनी रीच बढ़ाएं और कैसे इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को सर्वाइव भी करें। बिकॉज इंडिया जो है वो बेसिकली जितनी भी गाड़ियां हैं, कभी भी आप मारुति की गाड़ियां फॉरेन में नहीं देखेंगे, फॉरेन की गाड़ियां इंडिया में जरूर देखेंगे लेकिन इंडिया की गाड़ियां फॉरेन में आपको नहीं देखने को मिलेंगी। दिस इज बिकॉज द कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, वी हैव ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, वी हैव हाईली इन्वेस्टेड आवर इंडस्ट्री, तो इस वजह से कॉस्ट भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। इनफैक्ट इंडिया में अगर देखेंगे तो सेफ्टी फीचर की जगह पर बाकी सारे फीचर्स को ज्यादा फोकस किया जाता है, जबकि अगर फॉरेन में देखेंगे तो दे एक्चुअली फोकस ऑन द सेफ्टी फीचर्स फर्स्ट। तो इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी आई थी, वहां पर यह कहा गया था कि इंडिया में जितनी भी गाड़ियां हैं अगर कुछ गाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी गाड़ियां जो होती हैं दे हैव नॉट बीन टेस्टेड थ्रू द कोलिजन टेस्ट, तो उसमें सेफ्टी टेस्टिंग नहीं हुई है। तो ये सब बेसिकली आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल लॉज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस इंडस्ट्री को फॉलो करने के लिए। लाइक अगर BS4 से BS6 के बारे में ही देख लें, दीज आर एक्चुअली इन्वायरमेंटल लॉज, तो इस वजह से जो होती है यहाँ पर सीन हो जाती है। लाइक डीजल व्हीकल्स नियर फ्यूचर दे आर गोइंग टू बी बैंड थ्रू आउट द कंट्री। अभी जैसे इनको 10 ईयर 15 ईयर का एक कह लीजिए बफर पीरियड मिला हुआ है, लेकिन अगेन फ्यूचर जो है डीजल व्हीकल का इंडिया में नहीं है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ अगेन इन्वायरमेंटल लॉज। तो यही कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं और जिसको कि आपको कोट करना रहेगा। इसके आगे अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट इज द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होता है ये इंडस्ट्री। यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जैसे आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आ जाती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आ जाती है, ड्रग इंडस्ट्री आ जाती है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री को ये केमिकल इंडस्ट्री एक्चुअली कवर करता है। तो केमिकल इंडस्ट्री जो है वो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील एंड इंजीनियरिंग गुड्स। तो इसके पास ये चौथा केमिकल इंडस्ट्री ही आता है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट प्लेज वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू सेवरल इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, पेपर एंड पल्प, डिटर्जेंट, सोप। तो इस तरीके से ये बेसिकली इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। लाइक अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि डिटर्जेंट या सोप की बारे में बात करते हैं, तो जनरली सोप की आप लोगों ने सोप की मैकेनिज्म पढ़ी होगी किस तरीके से एक्चुअली काम करता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, सरफेशियल एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। जितने भी आपके डर्ट होते हैं, एक्चुअली जितने डर्ट होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज। अब इस पॉजिटिवली चार्ज में अगर हम निगेटिवली चार्ज मिला देते हैं, कोई भी चीज निगेटिव चार्ज मिलाते हैं तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जो न्यूट्रलाइज होंगे तो सीधी सी बात है ये प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो होता क्या है डिटर्जेंट या सोप में, यहां पर एक निगेटिव एलिमेंट या निगेटिव कंपाउंड मिलाया जाता है। इस निगेटिव कंपाउंड को बोला जाता है चीलेट। दिस इज चीलेट। चीलेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए दिस इज सपोज अ चीलेट, ठीक है, CH3-, तो ये बेसिकली जो निगेटिवली चार्ज है यहां पर ये एक तरीके से चीलेट का काम करता है, और जो डर्ट होती है उसके साथ में ये जा करके पॉजिटिव चार्ज के साथ में ये बैलेंस कर लेता है और एक कंपाउंड बना देता है, अकॉर्डिंगली दे प्रेसिपिटेट आउट एट द बॉटम ऑफ द बकेट। तो जनरली इसीलिए जब भी कपड़े धोने होते हैं तो फर्स्टली यू हैव टू रिंस इट, मतलब उसमें आप जो है भिंगो करके रख दीजिए, और उसके बाद से थोड़ी देर बाद देखेंगे अपने आप जो है कुछ वाइट सा पार्टिकल जो है वो नीचे गिर जाता है, वाइट डस्ट या फिर ब्लैक डस्ट, अकॉर्डिंगली कैसा भी वो डस्ट होगा उसके बेसिस पर डिपेंड करता है द कलर। तो इस तरीके से बेसिकली पूरी इंडस्ट्री काम कर रही होती है। तो जो केमिकल इंडस्ट्री है दे आर प्रोवाइडिंग एक्चुअली दिस चीलेट, ये चीलेट प्रोवाइड करते हैं और इस तरीके से सोप या डिटर्जेंट जो है वो काम कर जाता है। सिमिलरली पेपर एंड पल्प के लिए भी वही केस है, फर्टिलाइजर के लिए भी यही केस है, और स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री के लिए भी जो भी
कह लीजिए एलॉयज होते हैं, वो एलॉयज जो है वो इसी केमिकल इंडस्ट्री के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो केमिकल इंडस्ट्री है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि दे आर गिविंग सपोर्ट टू सम ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है इस तरीके से बाकी इंडस्ट्रीज को। इसमें अगर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में बात कर लिया जाए तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में देखिए फर्टिलाइजर हैज मेड अ ट्रिमेंडस प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि ये जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें लगातार इस इंडस्ट्री पे वर्क भी करना पड़ा है और साथ ही साथ में इस इंडस्ट्री को सब्सिडाइज भी करना पड़ा है क्योंकि ये इंडस्ट्री हमारे लिए एक काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज गिविंग सपोर्ट टू आवर प्राइमरी इंडस्ट्री दैट इज द एग्रीकल्चर। द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1906। द फाइव डिकेड ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हैव ब्रॉट इंडिया टू द फ्रंट लाइन ऑफ फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इंडिया टूडे इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड। The domestic production of urea in 29 or 10 was about 199 lakh ton, which is about 85% of the urea requirement of the country, while the per hectare consumption was about 129 kg per hectare. Fertilizer industry में क्या होता है कि एक तो हम लोग इसमें self sufficient है, secondly we actually export our fertilizers to the फॉरेन कंट्रीज। तो फॉरेन कंट्री में हम लोग फर्टिलाइजर अफ्रीका को देते हैं, नेपाल को देते हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को भी देते हैं जहां जहां पर भी एग्रीकल्चर होती है। तो हम लोग बेसिकली ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है इसमें काफी ज्यादा हम लोग आगे हैं, लेकिन इसमें भी अगेन देयर आर सम प्रॉब्लम्स, वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जरा देख लेते हैं कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एक्चुअली जरूरत किसकी होती है। तो देखिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में होता क्या है कि दे आर एक्चुअली देयर इज एनपीके रेशियो और इसी एनपीके रेशियो को ही मेंटेन किया जाता है। और इसमें अलग अलग जैसे फास्फोरस के लिए आपका फास्फोरस होती है, पोटेशियम के लिए पोटेशियम होती है, नाइट्रोजन के लिए यूरिया होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना कंटेंट वाइज जैसे जिस जमीन को जिस सॉइल को जैसी जरूरत होती है उस तरीके से हम लोग इसको फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर देते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने अपनी एक स्कीम भी चला रखी है दैट सॉइल हेल्थ कार्ड। इस सॉइल हेल्थ कार्ड के जरिए देख लिया जाता है हर 3 साल में कि एक्चुअल में जो सॉइल है उसमें किस मिनरल की कमी है और जिस मिनरल की भी कमी होती है वही मिनरल फिर अकॉर्डिंगली जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि जो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल है वो मेंटेन रहे। तो बस यही काम किया जाता है। अब इसमें अगर देखा जाए कि रॉ मटेरियल की क्या जरूरत होती है तो पहले एक बार मैं आपको यहाँ पे बुकिश बता देता हूँ, उसके बाद से थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ कि एक्चुअल में किस तरीके से फर्टिलाइजर बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो बेसिक रॉ मटेरियल आर व्हाट दे नेप्था, इट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से इट इज अ केमिकल, एक गैस के तरीके से होती है। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट होती है, सल्फर जिप्सम होता है एंड स्मेल्टर गैसेस होती हैं। अब जरा देखिएगा इसमें काम कैसे किया आता है। जैसे होता क्या है, आपने सुना होगा कि गोरखपुर वेयर वी आर लोकेटेड एक्चुअली, तो वेयर गोरखपुर में एक फर्टिलाइजर है, दिस इज फर्टिलाइजर। पहले मैं इसकी थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। फर्टिलाइजर में था क्या, ये कि इंडस्ट्री ऑब्वियसली पीएसयू है और ये अपना चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ था। बट यहां पर क्या है कि टेक्नोलॉजी जो थी वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी थी, काफी पुरानी टेक्नोलॉजी थी पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी इनके एम्प्लॉय थे, इनके एम्प्लॉय बहुत ज्यादा ही कह लीजिए कि चीजों का मिसयूज करते थे। लाइक इलेक्ट्रिसिटी अगर बात कर लें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ज्यादा मिसयूज होती थी क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको जो है एक मंथली क्वार्टर के बेसिस पे, मतलब मंथली चार्ज के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती थी जो कि ऑब्वियसली काइंड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती थी। तो मिसयूज काफी ज्यादा था, चाहे वो पानी का हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे किसी चीज का हो। तो इस कारण से कंपनी हमेशा मतलब कह लीजिए घाटे में जा रही थी। लेकिन अगेन एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी भी है, घाटे में भी जा रही है, लेकिन एक इमीडिएट रीजन होता है किसी भी इंडस्ट्री को शटडाउन होने के लिए। और उस समय 1989 के दौरान में एक इमीडिएट रीजन मिला कि जितने एम्प्लॉय थे उस एम्प्लॉय में दो तीन लोगों की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस ऑब्सोल्यूट मशीनरी। और इस कारण से इस कंपनी को फिर अल्टीमेटली शट कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उसके बाद से लगातार 2003, 2008, 2014 हर बार लगातार इस पर जो है फोकस किया गया कि हमें वापस से इसे रीस्टार्ट करना चाहिए। और अल्टीमेटली फिर अभी आप लोगों ने रिसेंट में सुना भी होगा कि 2019 में जाकर की इंडस्ट्री स्टार्ट रिवाइव हो गई है और 2020 में मोस्ट ऑफली प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। हालांकि टारगेटेड है कि 2022 तक हम लोग अच्छा खासा प्रोडक्शन देना शुरू कर देंगे।
इसमें सीन ये हो रहा है कि किस तरीके से इंडस्ट्री वर्क करती है, ये भी समझ लीजिए। इसमें होता क्या है जनरली कि इस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जनरली होता क्या है कि नाइट्रोजन हम देते हैं, नेप्था के थ्रू देते हैं, इसके लिए नेप्था गैस होती है। लेकिन इस फर्टिलाइजर में, जो गोरखपुर की फर्टिलाइजर, वहां पे नेचुरल गैस दिया जा रहा है। इससे हो क्या रहा है, इन्होंने एक ऐसा एक चैम्बर टाइप का, इस तरीके की एक चिमनी टाइप की बनाई है, और इनफैक्ट काफी बड़ी चिमनी है, दूर से ही आपको दिख जाएगी। इस चिमनी में होगा क्या कि नीचे से फर्टिलाइजर एलिमेंट्स ऊपर थ्रो किए जाएंगे, और जैसे ही ऊपर जाएगा ऑब्वियसली ये धीरे धीरे ऊपर जाकर के जो होता है वो मिक्सिंग हो जाएगी, गैसिफिकेशन हो जाएगा, और गैसिफिकेशन के ऊपर जाने पर बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर एंड द प्रेशर इट इज गोइंग टू मेक इट सेल्फ गैस से ये सॉलिड बन जाएगा, और सॉलिड से इस तरीके से ऊपर से जब ये गिरेगा तो ये फर्टिलाइजर के पार्टिकल की तरीके से बन करके निकलेगा, और अकॉर्डिंगली नीचे जो है उसे कलेक्ट कर लिया जाएगा, और कलेक्ट करने के बाद इन सारे चीजों को, वही जो भी इनकी पैकेजिंग वगैरह करनी है वो कर दी जाएगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जब ऊपर फेंका जाएगा तो ये नाइट्रोजन एटमॉस्फियर से लेगा, एटमॉस्फियर से ये एब्जॉर्ब कर लेगा नाइट्रोजन। इससे क्या है कि हमें ये जो नेप्था अलग से प्रोवाइड करना पड़ता था ये नहीं करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम क्या थी, नेप्था को हमें इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर की कंट्रीज से, तो अब ये जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है ये खत्म हो गई है। नेचुरली वी हैव अपग्रेडेड आवर टेक्नोलॉजी, एंड नेचुरली अब जो है वो नाइट्रोजन गैस को जो है लिया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली इसमें मिक्सिंग की जाएगी और यूरिया बनाया जाएगा। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा जो इस समय इंडस्ट्री जो यहाँ पर कह लीजिए कि टेंडर लिया गया है, HUL के द्वारा लिया गया, हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड कंपनी के द्वारा लिया गया, विच इज अगेन अ PSU, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है जो फर्टिलाइजर के बारे में, आप लोग अगर जान जाएंगे तो ऑब्वियसली एक बेटर कंफर्टेबिलिटी आ जाती है, जानकारी रहती है तो काफी अच्छा रहता है, एक फील अच्छी आती है। चलिए खैर, इन केस गैस इज नॉट अवेलेबल, जैसे कि कौन सी गैस, दिस नेप्था इज नॉट अवेलेबल, प्लांट में बी ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कोक एंड कोक ओवन गैस। तो एक्चुअली इसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया है नेचुरल गैस को, बिकॉज नेचुरल गैस इज फ्रीली अवेलेबल इन इंडिया ऑल्सो एंड वी आर इम्पोर्टिंग ऑल्सो। तो हम लोग जो नेचुरल गैस को इम्पोर्ट कर रहे हैं उसमें हालांकि कई सारी चीजें हम लोग बाइफरकेट कर देते हैं, लाइक हम लोग LPG, PNG, हर एक गैस को अलग अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास काफी अच्छा नेचुरल गैस का रिसोर्स भी बना हुआ है जिससे कि हम लोग इसको रन कर सकते हैं। इन इंडिया वी हैव कोल बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कहाँ कहाँ पे, भिलाई में है, कोरबा में है, छत्तीसगढ़ हो गया, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में हो गया, इसी तरीके से आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, नवेली, आंध्र प्रदेश हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारे पास कई जगहों पर हम लोगों ने अपना ये बनाया हुआ है। जनरली आप देखेंगे वहां वहां पर बनाया गया है जहां पर या तो पाइपलाइन बिछी हुई है या फिर नेचुरल गैस का वो खुद रिजर्वायर है। जैसे अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में अगेन अ रिजर्वायर, गुजरात में अगेन अ रिजर्वायर, झारखंड में अगर आप देखेंगे तो पाइपलाइन बिछी हुई है, छत्तीसगढ़ में पाइपलाइन है, वेस्ट बंगाल रिजर्वायर है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इधर इट इज अ रिजर्वायर और इट हैज पाइपलाइन कनेक्टिविटी। तो यहां पर जो होता है ये आपको समझ में इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। जैसे अगर गोरखपुर फर्टिलाइजर के बारे में बात किया जाए तो इतना ज्यादा टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि पहले इसमें पाइपलाइन बिछाई गई है। पाइपलाइन लगाने के बाद तब नेचुरल गैस की जब देख लिया गया है कि हाँ ठीक है, नाउ इट हैज बीन प्रॉपरली कनेक्टेड, तो अब कनेक्टिविटी के बाद अब सारी मशीन्स को लेकर के आया गया और टेस्टिंग वगैरह की जा रही है, और टेस्टिंग करने के बाद फिर प्रोडक्शन। देखिए प्रॉब्लम यही होती है कि कनेक्ट करना और मशीन्स को लेकर के आना, ये दोनों काफी अपने आप में चैलेंजिंग थिंग था क्योंकि जो मशीन है बेसिकली वो समझ लीजिए कि बहुत बहुत ज्यादा ही बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, और इनको अगर हम मतलब ओपन करके भी ले आएंगे और यहां पर आके असेंबल भी करेंगे तो भी जो है काफी ज्यादा जो है इसमें स्पेस चाहिए होता है। तो इस वजह से ये सारी चीजें की गई है। खैर चलिए, तो टू मच अबाउट आवर गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट, बहुत ज्यादा आप लोग जान गए हैं। चलिए खैर, यहां पर देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर प्लांट्स आर लोकेटेड क्लोज टू द पेट्रोलियम रिफाइनरीज। वही अगेन, द प्लांट नियर सी आर बेस्ड ऑन इंपोर्टेड मटेरियल। Some of the fertilizer plants have, however, been located near the consumer center. The maximum number of fertilizer plants are in the state of Gujarat and Tamil Nadu. अब देख लीजिए यहाँ पर कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या industries लगाई गई हैं इंडिया में, क्योंकि अगेन जो होता है this is very important for you to know. अब जैसे एक है जो कह लीजिए कि जो है
उत्तर प्रदेश में लगाई गई हैं। तो यूपी में जो है, एक तो आपको पता ही है दिस इज गोरखपुर, गोरखपुर में तो एक है ही। गोरखपुर के अलावा एक और सिस्टम लगाया गया, दिस इज इन द वेस्ट वेस्टर्न यूपी, जैसे मथुरा है, मथुरा में हमारे पास पावर जो पाइपलाइन रिफाइनरी आप कह सकते हैं यहां पर है। तो यहां पर बाबराला, दिस इज बाबराला, यहां पर भी जो है हमारे पास एक प्लांट, मतलब कि ये फर्टिलाइजर प्लांट है। इसके अलावा धनबाद हो गया, सिंदरी हो गया, कोरबा हो गया, राउरकेला हो गया, तालचर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो बहुत सारी जगहों पे हम लोगों ने पूरा का पूरा सेंटर एस्टैब्लिश करके रखा है। ये बेसिकली मैप इसलिए इंक्लूड किया था ताकि आपके दिमाग में रहे कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी आंसर ऑन इंडस्ट्री यू हैव टू इंक्लूड वन मैप एंड यू हैव टू अप्लाई, मतलब यू हैव टू राइट ऑल दोज सेंटर्स जो कि यहां पर लिखे हुए हैं। आगे अगर बात किया जाए तो देयर आर नंबर ऑफ फर्टिलाइजर प्लांट्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर ऑल्सो, आउट ऑफ विच द इंडियन जो इफको है, इफको की अलग से वैकेंसी भी आती है, जो लोग भी मतलब केमिकल इंडस्ट्री या केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह किए होंगे उनको पता होगा कि ये बेसिकली एक कोऑपरेटिव लिमिटेड कंपनी है विच इज वेरी इफेक्टिव इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। इफको हैज 6 प्रोडक्शन यूनिट्स एट कहां कहां पे, एक तो बरेली में 2 यूनिट हो गई, गुजरात में है, इलाहाबाद में है। तो हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, केवल आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। एंड द फर्टिलाइजर हियर हैज अ गैस बेस्ड यूरिया अमोनिया प्लांट एट हजीरा इन गुजरात। इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशियंट इन द मैटर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, अबाउट 50% ऑफ द कंट्री रिक्वायरमेंट इज मेट बाई इम्पोर्ट। तो हम लोग बाहर से रॉ मटेरियल्स को उठाते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोसेस करके फिर चीजों को बढ़ाते हैं। तो ये थी पूरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में पूरी बातें। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा पेपर इंडस्ट्री के भी बारे में। तो पेपर इंडस्ट्री भी अगेन जो होता है कई चीजों से बनाई जाती है, जैसे पेपर वेस्ट, जो पेपर्स होते हैं या वेस्टेज प्रोडक्ट्स होते हैं इससे बनाई जाती है। दूसरा पल्प इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री का मतलब जो भी प्लांट्स होते हैं, घास होती है उससे बनाया जाता है। तो इस तरीके से पेपर भी बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो इट इज वन ऑफ द कोर इंडस्ट्री, इट इज अ यूनिक प्रोडक्ट विच हेल्प्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ नोबल आइडियाज एंड थॉट्स। In fact, the paper industry has a vital role to play in socio-economic development of the country. It has great social and cultural significance. The per capita consumption of paper is considered as a benchmark of a country's modernization. पेपर मेकिंग इन इंडिया एज अ कॉटेज इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग अ मेडिवल पीरियड। तो पहले जो है एक तरीके से केवल समझ लीजिए कि काम चलाऊ वाला जो काम होता था उसके लिए किया जाता था, कॉटेज काइंड ऑफ चीज की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब इसकी जरूरत बढ़ने लगी, सब चीजों को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया गया, तो फिर पहली पेपर मिल 1832 में लगाई गई। कहां पर? श्रीरामपुर में, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। प्रेजेंटली ये तो खैर कह लीजिए कि बांग्लादेश में है। तो इट हाउवर रिजल्टेड इन अ फेलियर। सब्सिक्वेंटली पेपर मिल्स वर सिचुएटेड एट बालीगंज इन कोलकाता 1870, फिर लखनऊ में, टीटागढ़ में। तो आज तो खैर बहुत जगहों पर इस समय ओपन कर दिया गया है। तो पेपर इंडस्ट्री वॉज डी लाइसेंस्ड एंड डी कंट्रोल्ड इन 1997 आफ्टर द 1991 एलपीजी पॉलिसी। तो अगेन ये भी इंडस्ट्री जो है वो सरकारी इंडस्ट्री बन करके रखी हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इसको जो है अलग कर दिया गया और डी लाइसेंस कर दिया गया ताकि बाहर के भी जो प्लेयर्स हैं या फॉरेन प्लेयर्स या फिर एफडीआई, इन सब चीजों की इंडिया में आए और इस तरीके से हम अपने इंडस्ट्री को जो है वो आगे बढ़ा सके। उसके बाद से बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई, जैसे कैमलिन हो गई एंड ऑल दैट, आप लोगों ने देखा भी होगा, उन सबकी कॉपी आती रहती है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 100% वॉज परमिटेड एंड ऑटोमेटिक रूट। जैसे क्या होता है ये ऑटोमेटिक रूट और मैनुअल रूट, आई होप आप लोगों को चीजें पता होंगी, ये आप लोगों ने बेसिक इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ा होगा ऑटोमेटिक रूट और मैनुअल रूट के बारे में। द पेपर, इंडियन पेपर इंडस्ट्री इंप्लॉयज 3 लाख पर्सन डायरेक्टली और 10 लाख पर्सन इनडायरेक्टली। द पेपर एंड न्यूज प्रिंट इंडस्ट्री इज हाईली फ्रेगमेंटेड विद द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 10 टन्स टू 100 टन्स पर डे। खैर ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसका जो सेगमेंटेशन है, जैसे लार्ज इंटीग्रेटेड जो है वो बैम्बू और वुड से बनाई जाती है, मीडियम मिल्स जो है वो एग्री रेसिड्यू और रिसाइकल्ड फाइबर से बनाई जाती है, और लास्टली जो है कुछ रिसाइकल्ड फाइबर या फिर वेस्ट प्रोडक्ट से भी बनाया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे शॉप पे रफ कॉपी आती है, वो रफ कॉपी बेसिकली वो स्मॉल यूनिट्स के द्वारा ही बनाई जाती है, मोटी मोटी होती है, देखा होगा आपने। ऑल द थ्री सेक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग इक्वली इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड पेपर बोर्ड एंड न्यूज प्रिंट इन द कंट्री। इनफैक्ट अगर आप न्यूज़पेपर देखे होंगे, न्यूज़पेपर तो खैर आप लोग पढ़ते ही होंगे, न्यूज़पेपर पर जब आप देखेंगे तो नीचे आप लोगों को कुछ इस तरीके से बबल बनते हैं और इस बबल में अलग अलग कलर बने होते हैं,
आप लोग बताइएगा कौन कौन से कलर हैं, लाइक ब्लू, रेड, ब्लैक, इस तरीके से बना होता है. व्हाट एग्जैक्टली इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कलर, बताइएगा. इनफैक्ट इंटरव्यू में आपसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते ही रहते हैं. यू मस्ट हैव गॉन थ्रू विद दीज बबल्स ऑफ डिफरेंट कलर. व्हाट एग्जैक्टली इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कलर, तो बताइएगा. देखते हैं कितने लोग जानते हैं, यू कैन कमेंट बिलो. चलिए खैर आगे बढ़ते हैं. अगर तो ऑल दिस थ्री सेक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग इक्वली, और बाकी आपको बताइए कि इसमें कितना ज्यादा लोग जो है इन्वॉल्व है, 3 लाख से डायरेक्टली और 10 लाख इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है. टर्नओवर ऑफ दिस कंपनी इज टू मच. खैर ये सब कोई मतलब नहीं है. पेपर इंडस्ट्री इज इसेंशियली अ रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री. क्यों? क्योंकि अगेन जो है पहले तो आपको जरूरत होगी भाई, यही सब चीजें ना चाहिए. अगर ये सब नहीं मिलेगा तो पेपर कभी बना सकते हैं क्या? इंडस्ट्री आप सेटअप कर लीजिए एंड यू आर नॉट हैविंग द रॉ मटेरियल, कैन यू प्रोड्यूस द पेपर? ऑब्वियसली नो. तो यहां पर जो है हमें सबसे पहले जरूरत होती है रॉ मटेरियल की, और रॉ मटेरियल अगर हो जाते हैं तो यहां पर कहीं पर भी कोई लॉस नहीं हो रहा है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, सपोज शुगर इंडस्ट्री के बारे में. शुगर इंडस्ट्री वहीं सेटअप की जाती है जहां पर शुगर मिल, वहीं सेटअप किया जाता है जहां पर शुगर की प्रोडक्शन होती है. इसके पीछे रीजन ये होता है कि जैसे जितना ज्यादा शुगर केन जितना ज्यादा डीले किया जाएगा, उतना ज्यादा उसके अंदर जो मोलासेस या कह लीजिए उसके अंदर जितना भी माल्टोज कंटेंट होता है, जो उसकी मिठास होती है, स्वीटनेस होती है, वो खत्म होते जाती है. तो इसके कारण से अगर ज्यादा दिन रख देंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो शुगर क्वालिटी होगी वो बहुत ही पुअर होगी, और इस कारण से अगेन ट्रांसपोर्ट टाइम लैप्स जितना हो सकता है उसको मिनिमाइज किया जाता है. और इसके लिए अगेन जहां जहां पर इंडस्ट्रीज, मतलब जहां जहां पर अगर आप देखेंगे कि एरिया, जैसे अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश में महाराजगंज का एरिया है, वहां पर वो द इंडस्ट्री देयर द लोकेशन इज नोन फॉर शुगर केन, शुगर केन, एंड दैट इज व्हाई जैसे फरिंदा एक इलाका होता है आनंद नगर, वहां पर जो है शुगर केन इंडस्ट्री या फिर कह लीजिए शुगर मिल इंडस्ट्री है. सिमिलरली अगर आप कुशीनगर के एरिया में देखेंगे तो वहां पर भी शुगर केन इंडस्ट्री मिल जाती है, वहां पर भी मिल्स वगैरह अवेलेबल है. इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी आपको शुगर मिल्स मिल जाती है, हरियाणा में मिल जाती है. तो जहां जहां पर भी शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है, उन जगहों पर शुगर मिल्स बनाई जाती है. क्योंकि अगेन जो होती है वो एक तरीके से कह लीजिए क्वालिटी डिग्रेडेशन होता रहता है अगर उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है. तो यही चीज यहाँ पर भी है, इसमें कोई लॉस नहीं होता है. और इस वजह से इन इंडिया बैम्बू एलन कंस्टिट्यूट 70% ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर पेपर इंडस्ट्री. तो उठा करके लेके आया जाता है, इसकी जो है प्रोसेसिंग की जाती है और फिर अल्टीमेटली पेपर बना दिया जाता है. बिसाइड सेल्यूलोज, रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम वुड, पेपर इंडस्ट्री नीड केमिकल लाइक कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन, सोडा एश, सोडियम सल्फेट. तो इस तरीके से इसको जो केमिकल इंडस्ट्री है ये सारे आइटम जो है वो प्रोवाइड कर देती है, जिससे कि अगेन जो होती है सारा का सारा सिस्टम कर लिया जाता है. अब देख लीजिए बैंबू कहाँ कहाँ मिलता है, तो जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तो जितने भी एरियाज आपको ट्राइबल एरिया मिलेंगे उन सब जगहों पर आपको ये बैंबू मिल जाता है. तो बैंबू इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ द ट्राइबल. तो इसीलिए जो इस समय देखे होंगे आपने, बैंबू कल्टिवेशन को जो है वो हॉर्टिकल्चर में कन्वर्ट कर दिया गया है. साथ ही साथ ट्राइफेड, जो कि एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की एक डिपार्टमेंट है, ये काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है बैम्बू के प्रोडक्ट्स को, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ ट्राइबल प्रोडक्ट. एंड फॉर इलिमिनेशन ऑफ देयर बैकवर्ड नेट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्पावर द ट्राइबल पीपल इकोनॉमिकली एज वेल एज सोशली. कैसे ये वो चीज होगी? उनको सोसाइटली एक्सेप्ट करके. कैसे करेंगे? उनके प्रोडक्ट को खरीद करके, दैट्स ऑल. तो इस तरीके से दोनों चीजें हो जाती हैं. अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो देयर आर सम प्रॉब्लम्स ऑफ पेपर इंडस्ट्री. जैसे एक तो शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल है, फिर इसके बाद इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ केमिकल्स है, हैवी इन्वेस्टमेंट, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, फिर उसके बाद से टफ कंपटीशन विद फॉरेन पेपर प्रोड्यूसर्स, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, हाई कॉस्ट बेसिक इनपुट्स एंड क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न. तो अपने आप देख रहे हैं कि अगर आप डे वन के लेक्चर, मतलब कि लास्ट लास्ट क्लास के अगर लेक्चर देखेंगे तो वहां पर आपको ये सारी की सारी कंडीशंस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ही रखी हैं कि कुछ कॉमन सी कंडीशन होती है जो कि हर एक इंडस्ट्री के लिए होती है. अगर यहाँ पर देख लिया जाए कि आखिर में कहाँ कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, तो अगेन ये चीज आप लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि दिस इज बेसिकली आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मतलब नियर अबाउट हर एक एरिया में ही आपको जो है ये पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री मिल जाती है.
अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट द ड्रग पॉलिसी ऑफ इंडिया. तो इस वजह से मैं कहूंगा कि जो भी ड्रग पॉलिसी अगर कोई अमेंडमेंट या अपडेट आता है तो हमेशा इस चीज को आप लोग देखते रहिएगा, बिकॉज दिस इज हाउ द पॉलिसी इज कनेक्टेड विद द ज्योग्राफी. तो इस वजह से अगेन ये पॉलिसी जो है वो आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी जो है आपके टॉपिक जो है आपके सिलेबस में है, तो ड्रग पॉलिसी भी आपके सिलेबस में ही आ गई. चलिए है, तो ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज मेड अ फिनोमिनल प्रोग्रेस इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 4 डिकेड्स. देयर आर 5 PSUs एंड 5 जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेक्टर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स. तो ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट कि द कंट्री कवर 10% ऑफ द ग्लोबल कंट्रीब्यूशन इन फार्मास्यूटिकल. अब यहां पर जरा देखिएगा अगेन फार्मास्यूटिकल की आजकल बातें. देखिए, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम, इसलिए क्योंकि अभी कोविड की चीज को लेकर के काफी ज्यादा इशू चल रहा है और उसके वैक्सीन को लेकर के इशू चल रहा है, तो इसके लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफी ज्यादा लाइमलाइट में है. तो इस वजह से यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस. इसमें होता क्या है, जैसे इंडिया के बारे में अगर बात किया जाए तो वी हैव वेरी हाई पोटेंशियल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड इनफैक्ट वी हैव वेरी सक्सेसफुल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अलार्मिंग थिंग इज जो इसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होती है. रॉ मटेरियल का मतलब हो गया जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो APIs होते हैं, हम इनको इंपोर्ट करते हैं. बताइए कैसे इंडस्ट्री चलेगी अगर मान लीजिए, और उसमें भी अगर मैं बोल दूं कि इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा जो है चाइना से ही इंपोर्ट कर रही होती है, देन व्हाट? अगर हम लोग इस इंपोर्ट को बंद कर देते हैं, क्या हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो काम कर पाएगी? ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमें ये API फिर कहीं और से मंगाना पड़ेगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल्फ, मतलब हमें इंडिया को ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग जो इसके लिए रॉ मटेरियल उस पर हम लोग डिपेंडेंट ना बने. ठीक है, तो ये केस है APIs का, काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा खेल हो जाता है यहाँ पर, जिसके लिए जो होती है प्रॉब्लम आ सकती है. ये तो हुई पहली चीज. दूसरी चीज, कई बार आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जनरली पोर्ट इलाके में ही डेवलप की जाती हैं. अब इसके पीछे देखिए दो रीजन है. एक तो रीजन है सिंपल कि इसको ह्यूमिड एरिया चाहिए होता है. ह्यूमिड एरिया कहने का मतलब कि अगर आप कोई भी दवा उठा करके देख लीजिए, उस पर लिखा रहेगा रूम टेम्परेचर पे इस दवा को रखना है. अब सपोज मान लीजिए कि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो जो दवा होती है उसके भी कंपोजिशन में चेंजेस आ जाते हैं, उसके भी कंपोजिशन में कह लीजिए उसकी जो रिपरकशंस होती है वो थोड़ी अलग हो जाती हैं. और अगर मान लीजिए बहुत ठंडे इलाके में भी रहेंगे तो भी वहां पर प्रॉब्लम है. तो इस वजह से जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है वो रूम टेम्परेचर 25-27 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ता है. तो ये जो टेम्परेचर है वो जनरली ह्यूमिड एरिया में काफी आराम से मिल जाता है, ना तो ज्यादा गर्म ना तो ज्यादा ठंडा. दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है ट्रांसपोर्ट. सी पोर्ट पे रखा जाता है क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ये इंडस्ट्री बनानी है, तो इस वजह से रखी जाती है. अब इसमें अगर आप ह्यूमिड वाले में बात करेंगे तो हम लोग के पास आज की डेट में मैनुअल या फिर कह लीजिए कि मैकेनाइज्ड फॉर्मेट में इस टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए टूल्स अवेलेबल है, इक्विपमेंट्स अवेलेबल है. तो ये जो ह्यूमिड वाला खेल है ये तो खत्म हो गया, क्योंकि इसके लिए तो हम लोगों ने अपनी एक इक्विपमेंट ही बना के रखी हुई है, टूल बना के रखी है, मशीन्स बना के रखी है. लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है कहीं ना कहीं मिनिमाइज करने के लिए हम लोग पोर्ट पे डेवलप करते हैं. लेकिन अब केवल और केवल पोर्ट पे नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से हम लोग ऑल इंडिया अब ये एस्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं. लेकिन अर्लियर टाइम्स में, इनफैक्ट कॉलोनियल टाइम और आफ्टर इंडिपेंडेंस, हम लोगों ने ये सारी की सारी फोर्ट पे ही डेवलप की हुई थी बिकॉज ऑफ दिस रीजन. समझ में आ गया क्या चीज है? आगे अगर देखा जाए तो इस पे देख लेते हैं कि आखिर में क्या क्या और चीजें बची हुई हैं. तो यहाँ पर देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कहाँ कहाँ पे इसका सब्सिडियरी है. तो एक तो उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर अवेलेबल है, पिंपरी यानी कि पुणे में अवेलेबल है. इनफैक्ट पिंपरी का एक कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज है. इसके अलावा बंगाल में अवेलेबल है, अगेन पोर्ट सिटी, कानपुर में अवेलेबल है, जयपुर में अवेलेबल है, इंदौर में अवेलेबल है. तो अब तो खैर ऑल इंडिया हर जगह पर एस्टैब्लिश कर दिया गया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले केवल केवल पोर्ट एरियाज में ही होता था. अब हम लोग चला आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक में, दैट इज द कॉटेज इंडस्ट्री, या कह सकते हैं दिस इज एक्चुअली MSME इंडस्ट्री भी है ये. अब देखिए इस इंडस्ट्री, ये भी इंडस्ट्री जो है बेसिकली रॉ मटेरियल पे ही बेस्ड है.
अब ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे लाख की इंडस्ट्री हो गई, लाख के जैसे मतलब क्लोथिंग्स भी होती है और साथ में जो बैंगल्स वगैरह चूड़ियां वगैरह वो सब भी बनाई जाती हैं, तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा जैसे बीड़ी मेकिंग हो गया, टोबैको प्रोडक्शन हो गया, तो ये सब कॉटेज इंडस्ट्री के ही अंतर्गत आ जाती है। इसके बारे में अगर देखें, द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड बाय अ वर्कर समटाइम्स टुगेदर विद हिज फैमिली एट होम इज नोन एज कॉटेज इंडस्ट्री। जैसे आज की डेट में इसको हम लोग एमएसएमई सेक्टर में रखते हैं। द प्रोडक्ट्स मे बी सोल्ड डायरेक्टली टू द पब्लिक बाय द वर्कर और टू एन एंटरप्रेन्योर हु पेज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कॉटेज इंडस्ट्री हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। It exists in almost all the state regions of the country. Thus, cottage industry involves family labor and with a minimum investment, the family attempt to increase its income. उसमें से कुछ important industry जैसे sports हो गया, बीड़ी making हो गया, basket making हो गया, lakh industries हो गया, manufacture of crackers, पटाखे वगैरह हो गए, paper machine हो गई, perfume, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। इनफैक्ट अगर आप कभी जर्मनी में जाते हैं तो जर्मनी में जब आप जाएंगे, इनफैक्ट इन फ्रैंकफर्ट अगर आप जाएंगे तो वहां पर एक कह लीजिए कि गली है और उस गली में अगर आप जाएंगे तो आप मतलब समझिए खो जाएंगे। वहां पर एक्चुअली क्या है कि परफ्यूम मेकिंग होती है और मैनुअल परफ्यूम मेकिंग होती है। आपको लगातार बताया जाएगा कि अगर हम लोग ये केमिकल मिलाते हैं तो इसकी जो स्मेल होगी वो इस तरीके की होगी और प्रॉपरली जो होता है हाथ से बना बना करके आपको दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो डेमो वगैरह भी देते हैं, अगर कभी आपको जाना रहे तो खरीदिएगा भले नहीं, लेकिन आप जो है उसको देख सकते हैं। इट इज वेरी अनकॉमन थिंग हियर। इसके बाद अगर देखते हैं द मेन रॉ मटेरियल यूज्ड इन द बीड़ी, अगर बीड़ी के बारे में देखते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तेंदू लीव्स। जैसे इनफैक्ट अगर आप देखेंगे मैक्सिको में यहाँ पर जो होती है टोबैको लीव्स पाई जाती है। लोग क्या करते हैं, जाते हैं पत्ते तोड़ते हैं, रोल करते हैं और फिर सुलगा लेते हैं उसको, जो भी उसकी बर्न कर लेते हैं। तो एंड ये जो कचनल होती है तो इससे जो होती है बेसिकली बीड़ी मेकिंग की जाती है इन इंडिया ऑल्सो, लाइक तमिलनाडु में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, तो ये बेसिकली पाया जाता है। और यहाँ पर टोबैको इंडस्ट्री काफी ज्यादा मतलब कह लीजिए कि प्रसिद्ध है और ये बेसिकली छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के सारे इलाकों में ये सब काम किया जाता है। इन्फीरियर टोबैको विच इज एन इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट ऑफ बीड़ी मेकिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वॉट, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। Annual production of बीड़ी is more than 1000 crore. India export बीड़ी to Asian, African and European countries. और बाकी तो खैर import भी हम लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। India produces the entire equipment for athlete goods. जितने भी बैट बल्ला जितनी भी चीज होती है सब कुछ बनाया जाता है। इनफैक्ट मेरठ इज नोन फॉर इट्स एज अ स्पोर्ट्स सिटी। अगेन आप लोगों ने प्राइमेट सिटी कंसेप्ट पढ़ा होगा तो यू कैन यूज दिस कंसेप्ट हियर ऑल्सो कि एक तरीके से स्पोर्ट्स का प्राइमेट सिटी है, टोबैको का प्राइमेट सिटी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्राइमेट सिटी के कंसेप्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लास्टली अगर लैक इंडस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो देखिए लाख का एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, जिससे जो होती है रेजिन सीक्रेट होती है और उसी से लाख बनाया जाता है। तो लाख का कीड़ा उसको जनरल भाषा में बोला जाता है। दिस इंसेक्ट थ्राइव्स ऑन बबूल, बरगद, तो ये कुछ पलाश या कुसुम इन सबके पेड़ पर ये रहता है। द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लाख एज ए रॉ मटेरियल आर एडहेसिव इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, इसके अलावा ग्रामोफोन रिकॉर्डर, बहुत जगहों पे ये सब चीजें यूज की जाती हैं। दिस कॉटेज इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और जितने भी एरियाज में आप देखेंगे ये सारे पेड़ पाए जाते हैं। ये सब जितने भी पेड़ हैं ये एक्चुअली डेसीडुअस फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं और जहां जहां पर भी डेसीडुअस मतलब कि पतझड़ के वन पाए जाते हैं उन हर जगहों पर लाख का कीड़ा भी पाया जाता है। तो इस वजह से यहां से आप निकाल सकते हैं द इंडिया इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाख प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर थाईलैंड एंड मलेशिया। अबाउट 85% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ लाख इज एक्सपोर्टेड टू फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया, यूके, यूएई, यूएसए। अदर नीडल वर्क ऑन क्लोथ और इस तरीके से जो भी कॉटेज इंडस्ट्री होती है वो सारी की सारी जैसे कश्मीर में होती है, लखनऊ में भी की जाती है, जिसे चिकन की कढ़ाई वाली जो चीज़ होती है एक तरीके से वो बोल सकते हैं। तो ये कुछ कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं जो कि अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बाकी अगर प्रॉब्लम्स बताना होगा तो ऑब्वियसली आप बता ही सकते हैं, इनको फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रॉब्लम होती है और लेबर पॉलिसी प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप बहुत आराम से इनको बता सकते हैं। तो ये थी बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन, इंडस्ट्री को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे इंडस्ट्रियल रीजन और भी बाकी सारी चीजों के बारे में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स पर अपने डाउट को बता सकते हैं।
दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों को पूछी हुई है कि आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं कि पेपर वन पैरेलली रन करना है या नहीं करना है, या फिर सिंगल वीडियो जैसे चल रही है वैसे ही चलना है, तो इसके लिए प्लीज कमेंट बिलो बताइएगा जरूर कि क्या करना है, क्योंकि वी कैन रन अकॉर्डिंगली व्हाट यू वांट और उस हिसाब से ही हम लोग आगे चल सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।